नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में खेलने के दौरान 12 साल के बच्चे की सड़क किनारे बने गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत। बच्चा अश्विनी उर्फ चीकू नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के महरजा निवासी नागेंद्र साव का पुत्र था। पोखराहा में रहकर निजी स्कूल में पढ़ाई करता था। इस घटना के बाद जहाँ पूरे परिवार में मातम पसर गया, वहीं कुशवाहा महासभा के जिलाध्यक्ष अजीत मेहता ने इस घटना पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए मेदिनीनगर में बाईपास हाईवे बना रही कंपनी पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विनाश कर विकास का कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में जहां तहां से मिट्टी उठाकर गड्ढा कर दिया जा रहा है और बारिश का पानी गड्ढा में भरने की वजह से आने वाले दिनों में ऐसे और हादसे हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर पलामू उपायुक्त को संज्ञान लेने और कंपनी द्वारा बनवाए गए सभी गड्ढे को भरने की उन्होंने मांग की। जितना भी निंदा किया जाए बहुत ही कम होगा। कल कहीं न कहीं मेरी बहना ने पूरा क्षेत्र की बहना का एक गोद सुना हुआ है और इससे हम लोग आहत हैं और इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है, क्योंकि जब विकास के काम होती है तो कहीं न कहीं क्षेत्र में खुशी होती है, लेकिन अभी हाईवे रोड जो बन रहा है, जो तुलना किया जाए पहले नक्सली से तो उससे भी ज़्यादा भारी लोग हैं। बताइए कि आदिवासी दलित परिवार के लोगों के हजार दो हजार रुपया देकर 5 पुरसा 10 पुरसा गड्ढा खोद रहे हैं, उसमें जाने का रास्ता नहीं बना रहे हैं कि आदमी गिरे तो निकल जाए। ये दुर्घटना के बहुत बड़ा कारण है और हम समझते हैं कि हर सप्ताह में दर्जनों ऐसा ऐसा कांड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाईवे में रोड जो मिट्टी उठाया गया है, गड्ढा का कोई लिमिट नहीं है। कहीं 1 पुरसा 2 पुरसा 5 पुरसा कर दिया गया है। एक तरीका होता है मिट्टी उठाने का, उसमें जाने का स्लोपिंग करना चाहिए। उन्हें कुआं के तरह मिट्टी उठा लिया है, पानी भर गया है और खेलने के क्रम में तैराक भी बढ़िया होगा, पैर फिसल जाएगा तो नहीं निकल पाएगा। कल उस मैंने अपने आंखों से उस घटना को देखा हूँ। आज इस घटना ने पूरा जिला को झकझोर दिया है। मेरी बहना का गोद सुना हो गया है। आज हम लोग आहत हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि चियाकी से लेकर सिंगरा तक जितना भी गड्ढा है उसको तत्काल सर्वे करवा कर उसको भरवा दिया जाए, ताकि एक घटना न हो। इसके अलावा जो सरकारी प्रावधान होगा उनको उस तहत मदद भी किया जाए गरीब परिवार के। आज हमारा जैसे कि देख रहे हैं कि रोड बनना है, खुशी भी था, लेकिन बिना नोटिस प्राप्त भी बहुत रेत के नहीं हुए हैं। जबरदस्ती आदिवासी के खेतों में उन्होंने माटी डाल के बिना मुआवजा के रोड बना दिया। लोग चक्कर लगा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है। आप किसी का घर और बाउंड्री तोड़ दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं प्रशासन के कि प्रशासन से जेल में डलवा देंगे, चाहे मैं ऐसे करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। सीधा सीधी उनका बर्ताव कहीं न कहीं आतंकवादियों जैसा है। इसे हम आहत हैं। जिला प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी रैयत है उसको समय पर मुआवजा मिले तो ही काम करें, और उनको प्यार से बात करना चाहिए रैयत से। एक जमीन ऊपर से दे रहे हैं, ऊपर से दबाव बर्दाश्त नहीं होगा। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा चरणबद्ध आंदोलन करेगा। अब कल के जो घटना हुआ है, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो सरकारी जो सहायता होगा उससे जल्द से जल्द करें, और जो रोड के किनारे गड्ढा जो बना है उसको भरवाने का काम करें, और इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने का काम करें। मैं यही मांग करता हूँ, क्योंकि इससे घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आज हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।